टांडा तहसील परिसर में नवनिर्मित आरसीसी मार्ग शौचालय सभागार में लगे संगमरमर पत्थर नाले पर पटिया आदि का लोकार्पण। बुधवार को नगरपालिका अध्यक्ष नसीम रेहाना के कर कमलों द्वारा तहसीलदार सुदामा व नायब तहसीलदार मंगल देव शुक्ल की मौजूदगी में संघ अध्यक्ष मोहम्मद जावेद सिद्दीकी की अध्यक्षता में सभापति मिश्रा द्वारा मंत्रोच्चार मौलाना मोहम्मद दानिश द्वारा तिलावते कलाम पाक व सरदार त्रिलोक सिंह द्वारा वाहेगुरु नामा पेश कर किया गया। इस दौरान अधिवक्ताओं सहित तहसील परिसर के प्रत्येक व्यक्ति द्वारा मुख्य अतिथि पालिका अध्यक्ष नसीम रेहाना का कतारबद्ध होकर फूलों की वर्षा करते हुए फूल मालाओं से लाद कर जोरदार स्वागत किया गया। इसी दौरान सरस्वती शिशु मंदिर के स्काउट छात्रों ने फ्लैग मार्च कर स्वागत किया, तो वही मदरसा जामिया इस्लामिया चिश्तिया मुबारकपुर की छात्राओं ने सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा नगमे पर जोरदार प्रदर्शन कर टांडा फ्यूचर सिटी का मॉडल बनाकर कार्यक्रम में मौजूद लोगों का मन मोह लिया। कार्यक्रम में अधिवक्ता राजेश सिंह को विशेष तौर पर सभागार संगमरमर लगवाए जाने हेतु प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इनके अतिरिक्त मुख्य अतिथि नगर पालिका अध्यक्ष नसीम रेहाना, डॉक्टर दस्तगीर अहमद तहसीलदार सुदामा, अधिवक्ता अब्दुल माबूद, दिलीप कुमार मांझी, मुजीब अहमद सोनू, एवीएन के रिपोर्टर मोहम्मद यूसुफ, मुताबू पुस्तक के लेखक अजय प्रताप श्रीवास्तव, मौलाना दानिश आचार्य जी आदि को भी प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करती हुई पालिका अध्यक्ष नसीम रेहाना ने अपने संबोधन में कहा कि आज अधिवक्ताओं द्वारा इस अंदाज में किए गए स्वागत को मैं पूरी जिंदगी नहीं भूल सकती। कहा कि आप लोगों का इसमें देखकर मेरी आंखों से आंसू छलक पड़े। पालिका अध्यक्ष नसीम रेहाना ने संघ अध्यक्ष मोहम्मद जावेद सिद्दीकी के आग्रह पर पुस्तकालय कक्ष में संगमरमर अपने स्तर से लगवाने की घोषणा की। कार्यक्रम के अंत में संघ अध्यक्ष व कार्यक्रम अध्यक्ष ने उपस्थित लोगों को धन्यवाद ज्ञापित कर सौलभार के लिए आग्रह किया। इस दौरान कार्यक्रम में अधिवक्ता संघ के सभी अधिवक्तागण, मुंशी टाइपिस्ट, स्टाम्प वेंडर, कर्मचारी गढ़वा वातकारी सहित शहर के संभ्रांत नागरिक मौजूद रहे।